प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का। ध्यान से देखें, समझें। बोर्ड एग्जामिनेशंस के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चंस है आज का हमारा ये एपिसोड, ये लेक्चर। इसमें सबसे पहले इम्पैक्ट पैरामीटर की बात होगी। व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है? ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट से बेस्ड है, या अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट से। आपने देखा था कि न्यूक्लियस के खोज के लिए रदरफोर्ड ने एक बड़ा काम का एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक बहुत पतला गोल्ड फॉयल लिया था और उस पर बॉम्बार्डिंग कराया, अटैक किया अल्फा रे से। तो जो अल्फा रे बीच से जा रहा था, तो क्या देखा कि वो स्कैटर कर रहा है। बिल्कुल बीच से तो नहीं, बल्कि थोड़ा आगे पीछे वो स्कैटर कर रहा। क्यों स्कैटर किया, इस पे ये निष्कर्ष निकला कि अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में हीलियम प्लस प्लस आयंस होते हैं। ए बंच ऑफ हीलियम प्लस प्लस आयंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज अल्फा रे? क्या कहेंगे? बंच ऑफ हीलियम प्लस प्लस आयन। इसलिए अल्फा पे देखिए दो प्लस दिखाया गया है। और हम लोग पढ़े हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। यहाँ पे जब ये अल्फा रे नज़दीक आ रहा है सेंटर के या न्यूक्लियस के, तो ये कुछ एंगल से स्कैटर्ड कर रही है। इस एंगल को स्कैटरिंग एंगल कह सकते हैं। ये अल्फा रे जब दूर होता है तब इसके न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उसका प्रभाव नहीं होता है। जब ये नज़दीक आता है न्यूक्लियस के तब उसका इफेक्ट होता है और ये स्कैटर करता है। तो कहा जाता है कि जब अल्फा रे बहुत दूर हो न्यूक्लियस से, तब जो सेंटर लाइन जा रहा है, सेंटर या न्यूक्लियस का जो एक्सिस है, वहाँ से अल्फा रे के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही इम्पैक्ट पैरामीटर कहा जाता है, जिसको बी से डिनोट करते हैं, जिनका ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 जेड इंटू ई बाई हाफ एम यू स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू। ये इनका फॉर्मूला होता है। थीटा यहाँ पे ये स्कैटर्ड एंगल है। इसमें आपसे ये स्कैटर्ड एंगल निकालने कहा जा सकता है। अगर कोई रे बिल्कुल सेंटर से ही जा रहा हो तब उसका स्कैटरिंग एंगल कितना है होगा, इस तरह का सवाल हो सकता है। अगर ये अल्फा रे कहाँ से जा रहा है, एक्सिस से ही, इसी लाइन पे अगर जा रहा हो, ऐसे कंडीशन में बी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नोट में देखिए, अगर बी जीरो हो जाए तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, बी को ज़ीरो कर रहे हैं तो बी का फॉर्मूला क्या हुआ, इसको पुट कीजिए, 1/z ई स्क्वायर हो जाएगा। नीचे इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो के लिख सकते हैं आप, कॉट थीटा बाई टू इक्वल ज़ीरो। अब सिर्फ कॉट थीटा बाई टू को इधर रखिए, एंगल निकालना है हमें आपको, बाकी सबको इधर भेजिए, जीरो ऊपर, के ऊपर, 4π एप्सिलॉन नॉट ऊपर, नीचे हो जाएगा जेड ई स्क्वायर। जीरो बाई समथिंग जीरो, जीरो से भाग देंगे तब भी जीरो। तो कॉट कितना का मान जीरो होता है, याद कीजिए कॉट 90 डिग्री का। कॉट कॉट हटाइए तो थीटा बाई टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना होगा, 90 × 2 दैट इज 180 डिग्री। इससे यह प्रूफ हो रहा है कि जो अल्फा रे बिल्कुल सेंटर से टकराने का कोशिश करेगा वो यहाँ से वापस आएगा,
180 का क्या मतलब हुआ? इसी रास्ते पे गया और इसी रास्ते से वापस आ गया। 180 का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जिससे गया था फिर उसी रास्ते से क्या आया, बैक आया। तो क्या सीखा कि जो अल्फा रे बिल्कुल सेंटर से जाना चाहता है वो पास नहीं कर पाता है, वो उसी पाथ पे रिटर्न बैक होता है। ये कहा था किसने? रदरफोर्ड ने। और इस फॉर्मूले से ये प्रूव भी हो रहा है। थीटा हमारा क्या है? 180 डिग्री। इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर से टकराना चाहता है वो उसी पाथ पर रिटर्न बैक हो जाता है। इसका यूनिट क्या होगा? देखिए क्या है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। और डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? एल होता है। अब इसमें एम नहीं आया तो एम नॉट आप जानते हैं शुद्ध करने के लिए। आप इसके बाद देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कई फॉर्मूले निकालने हैं। एक तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा काइनेटिक एनर्जी, चौथा पोटेंशियल एनर्जी, पांचवा टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। पांच फॉर्मूले निकालने हैं आपको एक साथ, है ना, पांच फॉर्मूले। वालेकुम सलाम। एक तो रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। एक साथ पांच फॉर्मूले निकालने हैं। तो इसके लिए हमने माना कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा? जेड इंटू ई। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटोन। एक प्रोटोन पे होता है ई चार्ज, तो टोटल जेड प्रोटोन है तो न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई हो गया। ये कल नहीं समझ रहा था लड़का, लिख के चला गया सब, जेड ई कहाँ से आया। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये पढ़ाया गया आपको, जेड इज एटॉमिक नंबर। ई क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटोन। तो जितना प्रोटोन होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक नंबर जेड है मतलब प्रोटोन की संख्या जेड है। एक प्रोटोन पे ई चार्ज है तो टोटल चार्ज जेड ई हो गया। वालेकुम सलाम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो माइनस ई है, और ये दूरी जो है वो रेडियस कहलाएगा ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की त्रिज्या कहलाएगी। वेलोसिटी इसका क्या माना गया? वी माना गया। तो इस ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर हमने अगर एन माना तो नील बोर्स ने कहा था एम वी आर बराबर एन एच बाई टू पाई। इससे आर निकालें तो क्या होगा? एन एच बाई टू पाई, और ये आपका एम भी नीचे गया। अगर वी निकालना हो तो एन एच बाई टू पाई एम आर को नीचे भेज दीजिए। तो दो फॉर्मूले यहाँ आ गए हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का और भी दूसरा रूप देखना बाकी है। इसके लिए अब हम लोग जो है पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। जब ये सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन बैलेंस होकर रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो इससे हम आर को कट करते हैं, एम वी स्क्वायर निकालते हैं। क्यू वन हो गया आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये जेड ई क्या हो गया हमारा? क्यू वन। क्यू टू ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसको आप क्यू टू बोल सकते हैं। बीच की दूरी आर है तो जेड ई इंटू ई। यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो माइनस क्यू नहीं लिए। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टेट से बता रहे हैं कि जहाँ फोर्स की बात होती है वहाँ चार्ज के साइन से डायरेक्शन निकालते हैं, फॉर्मूले में उसको नहीं लेते हैं। तो इस तरह से आपका आर निकालने का काम हम लोग करना है। तो आर को ऊपर ले जाइए, एम वी स्क्वायर को नीचे ले जाइए। यहाँ पे फॉर्मूले में वी स्क्वायर आया, वी का ये मान यहाँ पे पुट किया जाए। इसको सॉल्व कीजिए, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कीजिए। अब जो जो कटता है काटिए। क्या कट गया? एक पाई कटा, फोर कटा, एक एम कटा, जो बचा उसको ऊपर ले जाइए। जेड स्क्वायर पहले से ऊपर है, यहाँ नीचे देखिए बाई के फिर बाई है, ये ऊपर जा सकता है आपका। पाई ऊपर जाएगा, एम पाई ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे बजेगा एप्सिलॉन नॉट को बाद में लिख दिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आप पहले भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला अब यहाँ पे आर
और यहाँ आर स्क्वायर बच गया इस फॉर्मूले में, एक आर यहाँ से फिर काट दीजिए और फिर आर निकाल लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, आर निकालिएगा तो ये इस पर आ जाएगा और इसके साथ जो आर के साथ लगा हुआ ये सब ये नीचे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, हम चाहते हैं अभी सब लोग याद करें, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये फॉर्मूला किसका है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको रेडियस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा उसका रेडियस निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई एम जेड स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। याद हो गया फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला आसान सा है। इसमें देखिए इसमें सारे कांस्टेंट हैं, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, किसी एक एलिमेंट के लिए जेड भी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। अब ऑर्बिट नंबर चेंज हो रहा है, आपने फर्स्ट ऑर्बिट से के एल एम एन बोलते हैं ना, तो ऑर्बिट नंबर चेंज करेंगे तो रेडियस चेंज होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर यहाँ आ रहा है। इसी से आप एक फॉर्मूला ये निकाल सकते हैं, आर वन बाई आर टू बाई एन वन बाई एन टू का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में हमने क्या किया, कांस्टेंट सबको एक साथ कर दिया है, अब अगर एलिमेंट बदलेगा तो जेड भी बदलेगा, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, एलिमेंट चेंज होगा तो जेड चेंज होगा, ऑर्बिट चेंज होगा तो एन चेंज होगा, तो बाकी सारे कांस्टेंट हैं उस कांस्टेंट का मान आप याद कर लीजिए तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको एक घंटा लगेगा कैलकुलेशन करने में। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो 8.85 10^-12, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.34 10^-12, उस पर भी स्क्वायर है, नीचे फिर पाई का मान है, एम का मान है, ई का मान है, उस पर फिर स्क्वायर है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अकलमंद इंसान क्या करेगा पूरा मान याद कर लेगा। उस पूरे का मान होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम उसके का मान। तो अब हमारा आर का बहुत सुंदर स्मार्ट छोटा फॉर्मूला आर बराबर के एन स्क्वायर बाई जेड आ गया। आर और एन स्क्वायर में क्या रिलेशन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, आर वन बाई आर टू करेंगे तो एन वन बाई एन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से देखिए एम बी स्क्वायर कितना है, 1/4 πε0 zE² r एम बी स्क्वायर, हमको क्या चाहिए हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ से गुना कर दीजिए तो आ गया 1/8 πε0 zE² r आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए दो चार्ज का सिस्टम है, एक चार्ज न्यूक्लियस में एक ऑर्बिट में, एक Q1 एक Q2, बीच की दूरी r, तो दो चार्ज सिस्टम के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टेट में आप पढ़ा है 1/4 πε0 Q1 Q2 r, Q1 न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, नीचे आ रहे ही जेड इंटू ई स्क्वायर माइनस के साथ, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी मे भी निगेटिव मे भी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है निगेटिव है, टोटल एनर्जी दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने में क्या दिमाग लगाइए लंबा कैलकुलेशन है, तो जो कॉमन है कॉमन लीजिए 1/4 πε0 zE² r कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पे 2 होने के कारण, यहाँ पे 2 होने के कारण 8 होने के कारण ये 2 आएगा 1/2 बाकी इधर 1 आ गया, सॉल्व करके ये फॉर्मूला आ रहा है। अब देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अलग से याद रखना है कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में देखिए सेम बिल्कुल सेम फॉर्मूला आया है, खाली प्लस माइनस का अंतर है, दोनों का मान बराबर होता है लेकिन टोटल एनर्जी माइनस में होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगा, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता है, और टोटल एनर्जी याद क्या है उल्टा हो रहा है, टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो रहा है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा हो रहा है, ये तो ना दिमाग में क्या नहीं घुस रहा है कि टोटल एनर्जी तो ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ उल्टे हो रहा है, टोटल एनर्जी कम है पोटेंशियल एनर्जी से, आधा हो रहा है, कारण क्या, ये माइनस में है, माइनस में जो कम होता है वही ज़्यादा होता है, माइनस में टोटल एनर्जी क्या है माइनस में है, तो माइनस में जो कम रहेगा वही ज़्यादा होता है ना, तो टोटल एनर्जी किस में आया, माइनस में आया। तो अब देखिए जब माइनस में आया तो सवाल ये भी पूछता है कि निगेटिव साइन क्या दिखाता है, हाँ लेस एनर्जी मोर स्टेबल, निगेटिव में हो गया तो और भी स्टेबल हो गया,
इसका मतलब एटम इज वेरी स्टेबल, एटम को तोड़ना आसान नहीं है। एटम क्या होते हैं, निगेटिव साइन दिखा रहा है, एटम इज स्टेबल, कोई प्रॉब्लम? फिर से रिवीजन हो गया, जिसको और करना है तो वीडियो देख लीजिएगा, है ना? ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये अगर ज़मीर होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिसका ज़मीर मरा हुआ नहीं है तो वो करेगा ही नहीं।